तो बच्चों हम लोग यूपी बोर्ड हाई स्कूल हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और हमने सूरदास जी को कंप्लीट कर लिया था, हमने सूरदास जी को कंप्लीट कर लिया और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसका पूरा का पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप अपनी कॉपी में कंप्लीट किए होंगे। तो उसी क्रम में आज हम दूसरा चैप्टर तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, ठीक। और ये भी अब देखिए, अभी दोनों के दोनों सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, लेकिन एक क्या हैं, एक क्या हैं, एक कृष्ण भक्ति शाखा के थे, कौन, सूरदास, उनका अध्ययन हमने किया। अब दूसरे कौन हैं, तुलसीदास जी हैं और ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है आपके सिलेबस में वो है धनुष भंग, ठीक, क्या है, धनुष भंग से दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि आप इस कहानी से खूब अच्छी तरीके से परिचित होंगे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने पूरे राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया है, ठीक। तो वहाँ पर आपको जो दिया गया है धनुष भंग, तो आप वो कहानी जानते हैं कि सीता स्वयंवर, राजा जनक ने सीता का स्वयंवर का आयोजन किया था, तो वहाँ पर शिव धनुष को रखा गया था और ये शर्त थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, उसी के गले में सीता जी वरमाला डालेंगी। तो वहाँ पर क्या था कि सभी के सभी जितने भी राजा और जितने भी वीर पुरुष सब वहाँ उपस्थित थे, किसी ने धनुष को हिला तक भी नहीं पाया, ठीक। तो उसी बीच में क्या होता है कि विश्वामित्र राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर, ठीक। तो वहां पर श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, धनुष तोड़ने के लिए मंच पर उपस्थित होते हैं और वहां पर क्या होता है, तो धनुष तोड़ने का कार्य श्री रामचंद्र जी के द्वारा संपन्न होता है। तो उस बीच का जो वर्णन है तुलसीदास जी ने किस तरीके का वर्णन किया है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। तो इससे, इस कहानी से, इस कथा से आप लोग खूब अच्छी तरीके से परिचित होंगे, ठीक। तो उसी को आज हमें यहाँ पर आगे पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है और एक कहें तो छोटा सा टुकड़ा है रामचरितमानस से, एक छोटा सा अंश आपकी सिलेबस में जोड़ा गया है, तो उसका अध्ययन हमें करना है, ठीक। तो धनुष भंग शीर्षक है, तो लिखा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, ठीक। अब देखिए आगे क्या है कि निरपन केरिया सा निसी नासी बचन नखत अबली न प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बर सहि सुमन जना वही सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि निसन आय सुमागा सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी बंद पितर सुर सुकृत संहारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तव शिव धनु मृणान किनाई तो रहु राम गणेश गोसाई, ठीक। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पर छंद दिया गया है, छंद मतलब आपको देखिए उदित उदयगिरि मंच पर जो ये दिया गया है, तो यहाँ पर जो दो लिखा है इसका मतलब ये दोहा है, ठीक। ये क्या है, दोहा छंद है और नीचे आपको जो बीच में दिया गया है ये आपका चौपाई छंद है, ठीक। तो हम पूरे को छंद बोल सकते हैं, पूरे को छंद बोल सकते हैं। तो जो ये आपको आपका पहला छंद दिया गया है ये क्या है, रामचरितमानस से लिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे उसको हमें जानना है। तो संदर्भ में ये होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के तुलसीदास जी द्वारा रचित
तुलसीदास जी द्वारा रचित, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक, अब बाद में आप जोड़ना चाहें तो इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ। प्रसंग देखते हैं। अब प्रसंग में अभी जो मैंने आपको बताया, प्रसंग आपका वही बनेगा कैसे कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने यह वर्णन किया है या बताया है कि धनुष यज्ञ, ठीक, या हाँ धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर, ठीक, क्या है, धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र, ठीक, अपने गुरु विश्वामित्र, ठीक, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ क्या है, जनकपुर में उपस्थित हैं। कौन, श्री रामचंद्र जी। मतलब ऐसे लिखेंगे कि धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र श्री रामचंद्र अपने गुरु और भाई लक्ष्मण के साथ जनकपुर में उपस्थित हुए हैं। तो जब कोई राजा धनुष को तोड़ नहीं पाता है तब श्री रामचंद्र जी अपनी गुरु की आज्ञा से वहाँ पर क्या होता है, मंच पर उपस्थित होते हैं। ठीक, मंच पर उपस्थित होते हैं। तो जब मंच पर उपस्थित होते हैं तो उस समय का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी कर रहे हैं। ठीक, अब व्याख्या देखते हैं क्या होगा। अब व्याख्या को ध्यान से आप समझेंगे क्योंकि पहला दोहा ही आपका क्या है, रूपक अलंकार है। क्या है, रूपक अलंकार का सबसे बेस्ट आपको एग्जाम्पल यहाँ पर मिलेगा। ठीक, देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब देखिए कह रहे हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी बता रहे हैं, तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर, मंच मतलब क्या है, मंच रूपी उदयाचल पर। ठीक, मंच रूपी उदयाचल पर, मतलब जो मंच बना है वो क्या है, जैसे सूर्य पूरब दिशा से जहाँ से उदित होता है तो वो स्थान को क्या बोला जाता है, उदयाचल बोला जाता है। तो उसी प्रकार से जो मंच है वो क्या है, उदयाचल है। तो कह रहे हैं कि मंच रूपी उदयाचल पर क्या है, रघुवर बाल पतंग, मतलब रघुनाथ रूपी, रघुनाथ, रघुवर मतलब रघुनाथ अर्थात श्री रामचंद्र रूपी, रघुनाथ रूपी क्या हुआ है, बाल पतंग, बाल सूर्य का उदय हो गया है। ठीक, कह रहे कि मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया और बिकसे संत सरोज सब, बिकसे संत सरोज सब, सरोज मीन्स क्या है, कमल। ठीक, बिकसे मतलब क्या होता है, खिल जाना, और संत मतलब जो वहां पर ऋषि मुनि संत बैठे हुए थे वो सब क्या हो गए, खिल गए, और हर्षे लोचन भृंग, और उनके जो नेत्र रूपी भौरे थे वो भी प्रसन्नित हो गए। ठीक, इसको फिर से देखते हैं लास्ट वाली लाइन कि बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, कह रहे कि सभी संत रूपी, ऐसे लिखेंगे कि सभी संत रूपी कमल खिल उठे और हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए, उनके नेत्र रूपी भौरे आनंदित हो गए। ठीक, तो ये आपका क्या है, दोहे का अर्थ है। इसको फिर से देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक, अब देखिए उदित उदयगिरी मंच पर यहां पर कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं, कवि तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि मंच रूपी उदयाचल पर, उदित उदयगिरी मंच पर, ठीक, कहने का मतलब यह है कि मंच रूपी उदयाचल पर क्या हुआ है, रघुवर बाल पतंग मतलब रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया है। बाल सूर्य यहाँ क्या, मतलब जब सूर्य उदय हो रहा है तो उसको बालक की संज्ञा दी जा रही है। ठीक, तो बाल रूपी सूर्य का उदय हो गया। अब बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक, और कह रहे हैं कि जो संत रूपी कमल थे, ठीक, जो संत रूपी कमल थे वो खिल गए अर्थात वो आनंदित हो गए, और हर्षे लोचन भृंग, और उनके जो भौरे रूपी नेत्र थे, ठीक, नेत्र रूपी भौरे, ऐसे जो नेत्र रूपी भौरे थे वो भी क्या हो गए, हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। ठीक,
तो यहाँ का जो मूल भाव है, इतना तो लिखने के बाद यहाँ पर आप अर्थात लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अर्थात आप लोग लिखेंगे, ठीक। अर्थात में क्या लिखेंगे कि अर्थात जब श्री रामचंद्र जी, क्या होता है कि जब श्री रामचंद्र जी मंच पर खड़े होते हैं, मतलब जहाँ पर धनुष रखा है, तो जब श्री रामचंद्र जी वहाँ पर मंच पर खड़े होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, मतलब उनकी सुंदरता जो है, उनकी सुंदरता क्या होती है कि प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रतीत होती है, ठीक। प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रतीत होती है, और जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर जो कमल हैं तालाब में, सरोवर में जो कमल होते हैं वो खिल जाते हैं, उसी प्रकार से संत रूपी कमल भी क्या हो गए हैं, खिल गए हैं, और हर्ष लोचन भृंग। और क्या होता है कि प्रातः काल होने पर क्या होता है कि प्रातः काल होने पर जो भंवरे होते हैं वो कमल के अंदर क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वो रात भर बाहर नहीं निकल पाते। उनको इस बात का दुख होता है कि कब सुबह हो, कब कमल खिले, कब इसके पाँव फूटे, तो हम जो है इसमें से बाहर निकलें। तो वहाँ पर क्या हुआ है, तो जब मंच पर श्री रामचंद्र की शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे मंच पर सूर्य का उदय हो गया है, और क्या हो गया है कि संत रूपी, और क्या है कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार से संत रूपी कमल भी क्या हो गए हैं, खिल गए हैं, और जिस प्रकार से कमल खिलने पर भौरे बाहर आकर आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार से उन जो वहाँ पर संत और ऋषि मुनि उपस्थित हैं, उनके नेत्र भी हर्षित हो गए हैं। कैसे? जिस प्रकार से भौरे कमल से बाहर आकर आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से ऋषि मुनि जो संत थे उनके नेत्र भी हर्षित और आनंदित हो गए, ठीक। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर भाव लिखना होगा। पहले तो जो आपको दिया गया है वो भाव लिखना है, फिर अर्थात करके भाव लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य कमल ये सब तो कवि ने क्या किए, उपमाएं दी हैं, ठीक। तो वहाँ पर क्या करना है, हमें उस मूल भाव को जाकर भी लिखना पड़ेगा। अब बात समझ में आई? नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार वीडियो को रिपीट करके आप समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, रिपीट करने का मतलब मेरा ये नहीं होता है कि आप वीडियो को रिपीट करके कॉपी में छाप लें, ठीक। रिपीट करने का मतलब ये होता है कि आप बुक लेकर वहाँ पर एक दो बार, तीन बार अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और एक बार चीज़ अगर दिमाग में आ गई तो फिर भूलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप कॉपी में छाप लेंगे तो एग्ज़ाम पीरियड में आपको भूल ही भूल जाना है, ठीक। आप किसी के डर से क्या कर रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितना, आपको कितना आया, आप कितना समझे, ठीक, ये चीज़ जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं, अब चौपाई देखते हैं। निपन केनरी आसान सिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी उस समय जब श्री रामचंद्र जी मंच पर उपस्थित होते हैं तो सभी की दशा कैसी है उसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे कि निपन केरी आसानी सिनासी, कह रहे कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि क्या हो गई है। देखिए निपन राजाओं की, केरी आशा, आशा मतलब आशा रूपी, निसी रात्रि, नासी नष्ट हो गई, ठीक। कह रहे कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, और वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और कह रहे कि जो वचन रूपी तारों के समूह क्या हो गए, चमकना बंद हो गए, मतलब जिस प्रकार से सभी को एक आशा बंधी हुई थी, सभी एक उम्मीद लगाए हुए थे कि आखिर धनुष को कौन तोड़ेगा, ठीक, धनुष को कौन उठाएगा, तो ये श्री रामचंद्र जी के मंच पर उपस्थित होते ही सभी के मन में जो ये संदेह उत्पन्न हो रहा था सब नष्ट हो गया। वही कह रहे हैं कि निर्पण केरी आसानी सिनासी, मतलब राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और वचन रूपी तारों के समूह चमकना बंद हो गए। कहने का मतलब जो बीच बीच में लोग क्या करते थे, आपस में बातें करते थे, वो सभी मौन हो गए, सभी शांत हो गए, ठीक। आगे मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अब देखिए मानी, मानी मीन्स कहने का यहां पर यह है अभिमानी, ठीक, मानी मीन्स अभिमानी। तो कहने की जो अभिमानी क्या है, महिप मतलब राजा रूपी कुमुद,
हैं वो क्या हो गए हैं, सकुचाने, सभी संकुचित हो गए हैं। ठीक, कह रहे हैं कि जो राजा क्या थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा वीर बलशाली समझ रहे थे, रह रहकर बीच बीच में उठ उठ कर क्या कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे थे, तो ऐसे राजा क्या है, अभिमानी राजा रूपी कुमुद भी क्या हो गए हैं, सब संकुचित हो गए हैं। और कपटी भूप उलूक लुकाने, और कह रहे हैं कि जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वो भी क्या हो गए हैं, सब छिप गए हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो उल्लू के समान कपटी राजा थे वो सभी क्या हो गए हैं, छिप गए हैं। फिर आगे भय विशोक कोक मुनि देवा, कह रहे हैं कि मुनि और देवता रूपी, कोक मतलब चकवा पक्षी, ठीक, कोक मीन्स चकवा पक्षी, तो कह रहे हैं कि मुनि और देवता रूपी चकवे भी क्या हो गए हैं, शोक रहित तो हो गए हैं। ठीक, जिस प्रकार से वहाँ पर जो ऋषि मुनि संत बैठे हुए थे और देवता भी क्या थे, सभी परेशान थे कि आखिर सीता जी का विवाह हो पाएगा अभी या नहीं हो पाएगा। ठीक, तो वहाँ पर क्या था, सभी परेशान थे, सभी के अंदर दुख था, तो श्री रामचंद्र जी के मंच पर उपस्थित होते ही क्या हो गया है कि भय विशोक कोक मुनि देवा, कह रहे हैं कि मुनि और देवता रूपी चकवे भी क्या हो गए हैं, सभी शोक रहित तो हो गए हैं। अब बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और वे फूल क्या कर रहे हैं, बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। ठीक, वो क्या कर रहे हैं, फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। मतलब श्री रामचंद्र जी मंच पर उपस्थित हैं तो वो सभी उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। फिर आगे गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आयस मागा। अब देखिए, कह रहे हैं कि गुरुपद बंद सहित अनुरागा, सहित अनुरागा मतलब होता है प्रेम सहित। ठीक, क्या होता है, प्रेम सहित गुरुपद बंद मतलब गुरु के चरणों की वंदना करके। ठीक, कह रहे हैं कि प्रेम सहित गुरु के वंदनों की चरणा करके, चरणों की वंदना करके राम मुनि निसन आयस मागा, क्या करते हैं, श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र से क्या करते हैं, मुनि से क्या करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। आयस, आयस मीन्स आशीर्वाद, मागा मतलब आशीर्वाद मांगते हैं। आशीर्वाद मांग कर क्या करते हैं, सहजय चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजरगामी। ठीक, कह रहे हैं कि सहजय, सहजय मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। ठीक, स्वाभाविक क्या होता है, चले सकल जग स्वामी, सकल जग मतलब संपूर्ण संसार के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी। ठीक, मतलब संपूर्ण क्या है, सकल जग स्वामी मतलब संपूर्ण संसार के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी क्या हुए, मत मंजुबर कुंजरगामी मतलब मत मतलब होता है मतवाला, मंजु मीन्स होता है सुंदर, और बर मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ। ठीक, बर मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ, और कुंजर मीन्स क्या होता है, हाथी। ठीक, कुंजर क्या है, हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो मत मंजुबर कुंजरगामी, कहने की सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की तरह क्या करते हैं, स्वाभाविक चाल चले, कौन, श्री रामचंद्र जी। फिर से इस लाइन का अर्थ देखते हैं, सहजय चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजरगामी। ठीक, कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी क्या हैं, कि सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की तरह स्वाभाविक चाल चले, मतलब उसी तरीके से जिस तरीके से एक श्रेष्ठ हाथी धीरे धीरे मतवाले चाल में चलता है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी भी क्या है, मंच की ओर स्वाभाविक चाल चले। ठीक, आगे चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। अब देखिए, कह रहे हैं कि चलत राम, कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी चलते हैं तो क्या होता है, सब पुर नर नारी मतलब उस जनकपुरी के जितने भी नर नारी, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारी, करें तो नगर की सभी नर नारी क्या हो गए हैं, पुलक तन भय सुखारी क्या हो गए हैं, सुखारी, भय सुखारी, सभी सुखी हो गए हैं। अब पुलक पूरी तन और उनका जो शरीर है वो क्या है, उनका शरीर रोमांच से भर गया है, उनका शरीर बहुत ही प्रफुल्लित है, उनका शरीर रोमांच से भर गया है। ठीक, कह रहे कि राम चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी, कहने कि श्री रामचंद्र जी जब चलते हैं तब क्या होता है, नगर के
पूर मतलब नगर, और कौन सा नगर, जनकपुरी, ठीक, नगर के सभी नर नारी सुखी हो गए हैं और उनका शरीर रोमांच से भर गया है। फिर आगे, बंद पितर सुर सुकृत संहारे जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, ठीक, तो शिवधन मृणाल किनाई तोरहु राम गणेश गोसाई। अब देखिए, अब यहां पर सीता जी क्या कर रही हैं, सीता जी क्या कर रही हैं, सॉरी श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं कि बंद पितर सुर सुकृत संहारे, ठीक, श्री रामचंद्र जी पिता और देवताओं की क्या करते हैं, वंदना करते हैं। बंद पितर सुर, ठीक, बंद मतलब वंदना करना, पितर मीन्स पिता की, सुर देवता, ठीक, श्री रामचंद्र जी देवता और पिता की वंदना करते हैं। और सुकृत संहारे, ठीक, सुकृत संहारे मतलब कि अपने अच्छे कर्मों को याद करते हुए, और कह रहे हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, कह रहे हैं कि यदि हमारे पुण्यों का थोड़ा भी प्रभाव हो, ठीक, श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, पिता और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य कर्मों को याद करते हैं। सुकृत संहारे, ठीक, अपने पुण्य कर्मों को याद करते हुए कहते हैं कि यदि हमारे पुण्यों का थोड़ा सा भी प्रभाव हो तो तौ शिव धनु मृणाल किनाई तोरहु राम गणेश गोसाई। गणेश गोसाई कह रहे हैं, हे गणेश के गोसाई अर्थात शिव जी, ठीक, अर्थात शिव जी क्या है, तो मैं इस शिव धनुष को, तो मैं इस शिव धनुष को क्या करूं, मृणाल किनाई, कैसे मतलब जैसे कमल की डंडी होती है उसी तरीके से इसे मैं तोड़ दूं, ठीक, तो इस तरीके से, इस तरीके से क्या है ये यहाँ पर आपका पद था, ठीक। तो आपको समझ में आया, जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है मतलब थोड़ा सा दम है इसमें, ठीक है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, एक दो बार जरूर से जरूर वीडियो को देखकर और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए अगला पद देखते हैं, राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई, ठीक, सखी सब कौतुक देख निहारे ज्यों कहावत ही तू हमारे को न बूझे कहें गुर पाही ए बालक असि हठ बलि नाही रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करी दापा सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर लेही भूप सयानप सकल सिरानी सक विधि सख विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनीय नरानी कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोस्यों सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तास त्रिभुवन तम भागा। अब देखिए अभी, हाँ, थोड़ा सा उसमें जो पहला पद मैंने पढ़ाया उसमें आपको काव्य सौंदर्य बताना भूल गया, ठीक, तो काव्य सौंदर्य में वहां पर पहले पद में होगा आपका अवधि भाषा, क्या होगा, भाषा अवधि है और शैली जो है प्रबंधात्मक है, प्रबंधात्मक शैली है, ठीक, और छंद तो आपको पहले ही बता दिया, दोहा और चौपाई, दोहा और चौपाई छंद है। जो रस है वहाँ पर वो वीर रस और श्रृंगार रस है, वीर रस और श्रृंगार रस है, और प्रसाद गुण भी है, क्या है, प्रसाद गुण है, और रूपक और अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोसम हर्ष लोचन ब्रिंग, इसमें क्या है आपका, रूपक अलंकार है, और वैसे देखें तो पूरे के पूरे पद में ही आपको रूपक अलंकार मिलेगा, ठीक। तो उदित उदयगिरी मंच पर ये आपका क्या है, रूपक अलंकार, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से पूछा गया है, तो आपके लिए एक लाभ ये भी होगा कि अगर आप इस पंक्ति को याद कर लेंगे अच्छे से तो अगर आपके एग्जाम में भी रूपक अलंकार का एग्जाम्पल या कुछ भी लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर आप इसकी सहायता ले सकते हैं, ठीक। तो हो गया आपका काव्य सौंदर्य, आते हैं दूसरे पद में, तो लिखा है कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई। अब देखिए यहां पर क्या है कि दूसरे पद में प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में
श्री रामचंद्र जी के प्रति या श्री रामचंद्र जी को बालक समझकर, ठीक, श्री रामचंद्र जी को बालक समझकर सीता जी की माता क्या करती हैं, दुखी होकर अपनी पीड़ा सखियों से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। ठीक, प्रसंग क्या बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को बालक देखकर, बालक समझकर दुखी होती हैं और अपनी सखियों से क्या कर रही हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। ठीक, ये आपका प्रसंग हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसका व्याख्या कि राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए। ठीक, कहने कि राम के वात्सल्य प्रेम को देखकर, राम ही प्रेम समेत लखी, ठीक, राम के वात्सल्य प्रेम को देखकर सखिन समीप बुलाए, अपने सखियों को अपने पास बुलाकर, ठीक, सखियों को अपने पास बुलाकर क्या करती हैं, सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता स्नेह के बस में क्या होती हैं, वचन कहाँ बिलखाए, मतलब विलाप करते हुए वचन बोली। ठीक, देखिए, राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस वचन कहाँ बिलखाए। अब देखिए, कह रहे कि राम के प्रति वात्सल्य प्रेम को देखकर अपनी सखियों को या सखियों को अपने पास बुलाकर सीता जी की माता स्नेह के वश में होकर विलाप करते हुए क्या वचन बोली। अब क्या वचन बोली, वहां पर डैश लगा देंगे आप, उसके बाद लाइन चेंज करके आप वहां पर लिखेंगे क्या है कि सखी सब कौतुक देख निहारे ज्यो कहावत हितु हमारे। करें कि हे सखी कौतुक देख निहारे मतलब तमाशा देखने के लिए, कौतुक मतलब तमाशा देखना। यहाँ तो सीता जी की माता करें कि हे सखी ये सब तमाशा देखने वाले हैं, ये कहावत हितु हमारे, करें कि जो हमारे हित चाहने वाले हैं, जो हमारे हितु कहलाते थे, वे सब क्या हैं, वे सब बैठकर तमाशा देखने वाले हैं। ठीक, अब क्यों ऐसा बोल रही हैं उसको आगे देखते हैं। कौन बुझाए कहाँ गुरु पाही ऐ बालक असी हठ भल नाही। ठीक, सीता जी की माता कह रही हैं कि हे सखी कोई भी इनके गुरु अर्थात विश्वामित्र को भी कोई नहीं समझा रहा है। ठीक, कौन बुझाए कहाँ गुरु पाही। ठीक, कह रहे कि कोई इनके गुरु विश्वामित्र जी को भी नहीं समझा पा रहा है कि ऐ बालक असी हठ भल नाही, कि वही जाकर बोल दें कि ए बालक क्या है कि ऐसा हठ आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक, कौन न पूछे कहाँ गुरु पाही ऐ बालक असी हठ भल नाही। ठीक, कह रहे कि कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को भी नहीं समझा रहा है कि हे बालक ऐसा हठ आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक, अब क्या है, रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करी दापा। अब क्या है, कह रहे कि रावण तो आप जानते ही हैं, तो कह रहे कि रावण और बाण मतलब क्या है, यहाँ पर बाण मतलब एक वो भी राक्षसी था, बाणासुर। ठीक, बाणासुर एक क्या था, वो भी राक्षस था। तो कह रहे कि रावण और बाणासुर जैसे क्या है कि उसको, उस धनुष को छू तक नहीं पाए, मतलब रावण बाण छुआ नहीं चापा, चापा मीन्स क्या होता है, धनुष। ठीक, कह रहे कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर छू तक नहीं पाए, हारे सकल भूप करिदापा, और सभी राजा हारे सकल भूप मतलब राजा, सकल सभी संपूर्ण, कह रहे कि हारे सकल भूप करिदापा, दापा मीन्स क्या होता है, प्रणाम करना। ठीक, कह रहे कि सभी राजा दूर से ही क्या हो गए, प्रणाम करके चले गए। तो रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदापा, कह रहे कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर भी छू तक नहीं पाए, ठीक, और संपूर्ण राजा क्या किए, संपूर्ण राजा केवल उसके सामने आकर, उस धनुष के सामने आकर प्रणाम करके चले गए। तो सो धनु राज कुंवर कह दे ही माल बाल मराल की मंदर ले ही। देखिए, कह रहे हैं कि सो धनुष, और कह रहे हैं कि उस धनुष को, कह रहे हैं कि जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे लोग क्या किए, इसको उठा नहीं पाए, सॉरी उसको छू तक नहीं पाए, ठीक, उसको, उस धनुष को छू तक नहीं पाए, और संपूर्ण राजा क्या किए कि उसको दूर से ही प्रणाम करके चले गए। तो उस धनुष को,
उस धनुष को राजकुंवर मतलब राजकुमार अर्थात श्री रामचंद्र जी के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही कह रहे कि हे सखी आप ही बताइए कि बाल मराल, मराल मीन्स क्या होता है, हंस। मराल क्या है, हंस का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। एक वहां पर तुलसीदास के गीत में कि चरण चोच लोचन लगो चलो मराली चार और छीर नीर विवरण सबय बक उघरते ही काल। तो वहां पर मराल मीन्स क्या है, हंस है। तो यहाँ पर भी मराल कुल मिलाकर हंस का पर्यायवाची ही क्या होता है, हंस का पर्यायवाची मराल होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि बाल मराल मतलब हंस का बच्चा, बाल मीन्स बालक, मराल हंस। तो हंस का बच्चा मंदर ले ही करें कहीं मंदराचल पहाड़ को उठा सकता है, ठीक। करें कि जिस प्रकार से हंस का बच्चा मंदराचल पहाड़ को नहीं उठा सकता, उसी प्रकार से ये लोग इस छोटे से बालक को क्या कर रहे हैं, ऐसे विशाल शिव धनुष को उसके हाथों में दे रहे हैं। तो भूप सयानप सकल सिरानी सख विधिगत कछु जाति न जानी। अब सीता जी की माता यहाँ कह रही हैं कि भूप सयानप कह रहे कि राजा जनक तो क्या है, सयानप जिसको आप लोग कहते हैं बड़े सयाने हैं मतलब समझदार हैं। तो कह रहे कि राजा जनक तो बड़े समझदार हैं और सकल सिरानी और बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं। सकल सिरानी मतलब सब कुछ जानने वाले हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कह रहे भूप सयानप सकल सिरानी कह रहे कि राजा जनक तो बड़े समझदार हैं और ज्ञानी भी हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं और वो भी किसी को कुछ नहीं समझा रहे हैं, वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी कह रहे कि हे सखी विधि मतलब विधाता की कछु कुछ भी गति मतलब उसकी गति या उसकी दशा कुछ जानने में नहीं आती है, ठीक। कह रहे कि हे सखी विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आ रही या कुछ जानने में नहीं आ रही है कि आखिर अब होने वाला क्या है, ठीक। इतना कहकर सीता जी की माता क्या होती हैं, शांत हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। तब आगे क्या होता है, बोली चतुर सखी मृदुवाणी तेजवंत लघु गणीय नारानी। अब देखिए तो वहां पर क्या है, उनकी एक सखी क्या है जो बहुत चतुर है, चतुर सखी सीता जी की माता की एक चतुर सखी क्या करती है, सखी मृदुवाणी क्या करती है, मधुर वचन बोलती है, ठीक। बोली चतुर सखी मृदुवाणी कह रहे कि एक चतुर सखी क्या करती है, कोमल वचनों में कोमल वाणी में बोलती है कि तेजवंत लघु गणीय नरानी कह रहे कि हे रानी तेजवंत मतलब तेजवान को गणीय गणना नहीं करनी चाहिए, लघु छोटा, ठीक। कह रहे कि तेजवंत कह रहे कि जो तेजवान है तेजवान को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए, तेजवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक। तो ये कौन बोला, ये सीता जी की माता की जो सखी थी वो बोली। फिर कह रहे हैं कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोसे सुजस सकल संसारा। तो वही सखी क्या कह रही है कि कह कुंभज, कुंभज किसका पर्यायवाची है, अगस्त्य ऋषि का है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन वो करते क्या है, वो सीधे सीधे अगस्त लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अगस्त लिख देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत है। अगस्त क्या है, गलत है। उनका नाम है अगस्त्य, ठीक। ये नाम है उनका, ठीक। ये अगस्त ऋषि थे, ये किस लिए फेमस हुए थे, क्योंकि इन्होंने कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे समुद्र को ही सोख गए थे, पूरे के पूरे समुद्र को पी गए थे। और इनका जन्म कहाँ से हुआ था, घड़े से हुआ था, कुंभ से, ठीक। कुंभ में से घड़ा होता है, तो इसीलिए इनको कुंभज भी बोला जाता है, ठीक। जिसके भी अंत में ज लग जाए वो क्या होता है, उत्पन्न होना, उसका मतलब होता है जैसे आप लोग नीर में जा जोड़ते हैं तो क्या होता है, नीर मीन्स पानी होता है, जा मीन्स उत्पन्न होना। तो पानी में उत्पन्न कौन होता है, कमल भी होता है, ठीक। पंख मीन्स कीचड़ होता है, आप जा जोड़ देते हैं तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल होता है, ठीक। तो ऐसे ही कुंभ में अगर आप जा जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब घड़े से उत्पन्न होने वाला तो क्या है, कुंभज। तो कुंभज किसका पर्यायवाची है, अगस्त्य ऋषि का पर्यायवाची है, ठीक। तो अगस्त्य ऋषि, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा। अब जब सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी के प्रति वात्सल्य प्रेम दिखाते हुए जब इतनी बातें बोली हैं तो सखी उनको समझा रहे, उनको धीरज बंधवा रही है, कह रही है कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह रहे कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य, ये वाला लिखना है, ठीक। नीचे कह रहे कि
कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि और कहाँ अपार समुद्र था, लेकिन सोसे सुजस सकल संसारा, और उन्होंने क्या किया, उस समुद्र को संपूर्ण सागर को सोख लिया और उनका सकल सुजस संसारा और उनका यश क्या हुआ, पूरे संसार में फैल गया। ठीक, तो वही कह रही कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोसे सुजस सकल संसारा। तो यहाँ पर वो सखी कह रही है कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि थे और कहाँ सिंधु, कह रहे कि कहाँ अपार सिंधु था और सोजस कुल सोसेव सुजस सकल संसारा, कह रहे कि और क्या किया अगस्त ऋषि ने, क्या किया संपूर्ण सागर को सोख लिया और इससे उनका यश पूरे संसार में फैल गया। फिर क्या है, रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तास त्रिभुवनतम भागा, कह रहे कि और उसी प्रकार से क्या होता है, रवि मंडल मतलब सूर्य मंडल देखने में क्या होता है, लघु लागा छोटा लगता है। ठीक, कह रहे कि सूर्य मंडल भी देखने में बहुत छोटा लगता है, उदय तास त्रिभुवनतम भागा, तो कह रहे कि और क्या होता है, परंतु उसके उदय होने पर, उसके उदय होने पर तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है, तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है। तो उसी प्रकार से सखी कह रहे कि हे रानी आप इतना ज़्यादा चिंतित ना हो, ये बालक क्या है, ये शिव धनुष को जरूर तोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका दो पद मैंने पढ़ाया, तो आपका जो यहाँ पर का वो क्या बोलते हैं काव्य सौंदर्य जो होगा, ठीक, यहाँ पर जो आपका काव्य सौंदर्य है यहाँ पर आपको शांत रस मिल जाएगा और अनुप्रास रस तो आप देख ही रहे हैं। अनुप्रास रस कहाँ है, सोसे सुजस सकल संसारा, सा की बार बार आवृत्ति आई। ठीक, और वैसे भी जब अंत्यानुप्रास की बात करते हैं तो वो तो अनुप्रास अलंकार आपको मिल ही जाता है। ठीक, तो शांत रस अनुप्रास अलंकार और भाषा शैली आपका और गुण ये सब वही रहेगा, केवल यहाँ पर क्या बदला, रस और अलंकार। ठीक, तो आप इसको इतना कंप्लीट करेंगे। हाँ, अब जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक की व्यवस्था अपनी कर लें, अब बोर्ड में लिखना संभव नहीं है। ठीक, अब बोर्ड में लिखना संभव नहीं है तो आप वीडियो देखते समय बुक को अपने पास रखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा आप कहानी सुन लेंगे और उसके बाद जब एग्ज़ाम में आपके पास सामने काव्य पंक्तियाँ होंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर ये काव्य पंक्ति कहाँ से आई। ठीक, तो आपके आँखों के सामने काव्य पंक्तियाँ भी होनी चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आज इतना ही, इसको आप कंप्लीट करेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।